वीवन विद हरिओम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के बारे में। 9 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 को पारित कर दिया गया, जबकि 11 अगस्त 2016 को इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था। 29 मार्च 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। यह विधेयक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन की अनुशंसा करता है। 1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र में महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने के साथ साथ कई नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। संशोधित विधेयक में 9 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अवधि बढ़ाकर 12 से 26 हफ्ते कर दी गई है, और ऐसे संस्थानों के लिए जहां पे 9 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से 8 हफ्ते पहले लिया जा सकता है। 1961 के मूल कानून में यह अवधि 6 हफ्ते की थी। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्तों का ही अवकाश मिलेगा। इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से 6 हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है। मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मूल कानून था उसमें बच्चों की संख्या तय नहीं थी, लेकिन ये जो संशोधित कानून आया है इसमें बच्चों की संख्या 2 बताई गई है कि 2 बच्चे होने पर 26 हफ्ते का अवकाश मिलेगा। उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो उनमें केवल 12 हफ्तों का ही अवकाश मिलेगा। इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है उसे 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही सरोगेसी यानी उधार की कोख के जरिए संतान सुख पाने वाली महिला को भी बारह हफ्ते का लाभ दिया जाएगा। यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो या सरोगेसी के जरिए संतान पाने वाली महिला को बच्चा सौंपा गया हो। संशोधित विधेयक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों से क्रेच की सुविधा मुहैया कराने संबंधी प्रावधान किया गया है। साथ ही महिलाओं को दिन में 4 बार क्रेच यानी कि बच्चे की देखभाल और खिलाने के लिए काम के दौरान जाने की सुविधा देने का उपबंध भी बनाया गया है। नए विधेयक के तहत यदि काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ईमेल के रूप में उपलब्ध कराएं। यह विधेयक छुट्टी के दौरान पूरा वेतन देने का प्रावधान करता है। इस विधेयक के लाभ क्या क्या हैं? इस विधेयक से देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिलाओं को लाभ होगा। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, इससे 18 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक बच्चों के उत्तर जीविता सर्वाइवल दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें स्तनपान कराना जरूरी होता है। संगठनों का मानना है कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को 24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से यह विधेयक अत्यंत लाभप्रद है।
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि पर्याप्त मातृत्व अवकाश और आय की सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं के करियर पर बुरा असर पड़ता है। इस विधेयक से महिलाओं की यह समस्या भी दूर हो जाएगी। भारत में केवल कुल आबादी का 22% महिलाएं ही संगठित क्षेत्र में कार्यशील हैं। यह वैश्विक औसत 47.1% से काफी कम है। भारत में बच्चों के जन्म के बाद प्रारंभिक देखरेख के लिए महिलाओं द्वारा नौकरी छोड़ने का औसत भी अत्यधिक है, परंतु इस विधेयक से अब महिलाओं को नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक अवकाश 26 सप्ताह का प्रदान करने वाला देश बन गया है। ये कंटेंट इम्पोर्टेंट है कि भारत कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा अवकाश देने वालों में, यानी कि सबसे अधिक दिन का अवकाश देने वाले के मामले में। कनाडा 50 सप्ताह का और नॉर्वे 44 सप्ताह यानी कि 44 वीक्स का अवकाश देता है। विश्व में सर्वाधिक मातृत्व अवकाश प्रदान करने वाले देश हैं। कहने का मतलब ये है कि कनाडा 50 सप्ताह का अवकाश देता है, नॉर्वे 44 सप्ताह का अवकाश देता है और भारत 26 सप्ताह का दे करके तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह संशोधन महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होगा। बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं उनकी प्रारंभिक देखरेख के लिए जो नौकरियां छोड़ देती हैं, अब इस संशोधन के बाद निश्चित ही उनकी नौकरी छोड़ने की दर में कमी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।